हाय, दिस इज़ राघव ठाकुर और आज हम हैं बॉली एंड टैली बज के साथ। तो आज हम एक स्कूल सेगमेंट करने वाले हैं। ये लोग मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे जिसका मुझे जवाब देना होगा। देखते हैं। ओके, आपके स्कूल का नाम क्या था? मेरे मानसथली, जो कि राजेंद्र नगर में न्यू दिल्ली में था। बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल? विशाल एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो आज भी मेरे साथ है और इवन आज अभी मुंबई भी आया हुआ है वो। फेवरेट टिफिन इन लंच? फेवरेट टिफिन क्या होता था, सुबह सुबह सो करके उठना होता था और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, तो वहाँ पे भुजिया, आलू की भुजिया बहुत पसंद की जाती है और वो बहुत ही इजी होता है बनाने में। तो मेरी मम्मी सुबह सुबह ये कुछ पराठे और आलू की भुजिया बना देती थी, थोड़ी सी दही डाल के दे देती थी, मैं मस्त खा के वही खुश हो जाता था। आज बहुत मिस करता हूँ उसको। फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल कुछ भी नहीं रहा था, मैं सबसे डम स्टूडेंट था, सबसे पीछे बैठने वाला। बट फिर भी हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है, पॉल साइंस मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है और पॉल साइंस में ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, तो वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। आगे शायद मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ। बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर? बैक बेंचर। प्राउडली? प्राउडली। फेवरेट टीचर्स? प्रमोद सर थे, जो कि मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैं अभी भी मैं मुझे ध्यान में नहीं आता कि वो मुझे क्यों इतना प्यार करते थे। तो मतलब आज मैं ये जब सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं जब उनकी चीज़ें सोचता हूँ ना, उस टाइम पे तो नहीं, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, खुश हो जाते थे वो। जब भी कहते थे कि चलो ठीक है तुम मत करना होमवर्क, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कहते थे, कोई बात नहीं, नहीं किया ना, कोई बात नहीं, तो उस टाइम पे ऐसा लगता कि बच गए। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अरे यार, वो ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उनसे जा करके मिलूंगा एक बार। परसेंटेज इन बोर्ड एग्जाम? 50%। फेवरेट स्पोर्ट्स इन स्कूल? मैं उसमें था, मैंने वॉलीबॉल भी खेला हुआ है, फुटबॉल भी खेला हुआ है और एक बार ये भी किया हुआ है, वो क्या कहते हैं, वो कुंफू वगैरह करते हैं, तो उसमें मैं था। तो उस पर स्कूल लेवल पे मैंने खेला था, उसके बाद आगे जब ले जा करके जब दूसरे स्कूल्स के साथ जब वो करवाते हैं कंपटीशन करवाते हैं, तो एक बार मुझे किसी ने मुंह पे किक मार दिया, पंच मार दिया, तो मैंने उसको पंच वंच मार दिया, उसके बाद फिर मुझे गेम से बाहर कर दिया स्कूल में ही, तो उसके बाद फिर मैंने नहीं किया कंटिन्यू। हाँ, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता था तो वो मैं बहुत टाइम तक कंटिन्यू रखा, अभी भी टाइम नहीं मिलता, मिलेगा तो बनाऊँगा। बहुत सारी रही है। पहली जो सबसे पहली स्पेशल होती है? मैं बता रहा हूँ, मेरी सबसे पहली नहीं, क्लास टीचर नहीं थी, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी पहली क्रश मुझे जहाँ तक की याद है कि मैं चौथी पांचवी में था तभी हो गई थी। Have you ever been class monitor? हाँ, मतलब 10th से पहले नहीं, कभी नहीं, 10th के बाद फिर 12th तक बना ही रहा था। हाँ याद है, जब मैं पहले रहता था होम टाउन अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के साथ, तो जब मैं पहली बार जब, तो वहाँ क्या, मैं गांव में रहता था दादा दादी के साथ, तो वहाँ पे इतना नहीं था मतलब कि ये केक काटे और बर्थडे सेलिब्रेट करे या ऐसा कुछ करे, तो मेरी दादी क्या करती थी, पेड़े बना देती थी असली दूध से, हमारे घर पे दूध होता था, तो उसी दूध का पेड़े जैसा केक बना देती थी, उसी को काट के मैं खुश होता था। तो जब मैं पहली बार दिल्ली गया तो मैंने देखा मेरे पापा ने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है, बहुत सारे अगल बगल पड़ोसियों को बुलाया है, केक मंगाया है, सजाया है और फिर केक काट रहे हैं, तो आज भी वो मेमोरी है मेरे उसमें। और मैं सारे अपने दोस्तों के घर जा जा करके शाम को कह रहा था मेरा बर्थडे मेरे घर आ जाना, मेरा बर्थडे मेरे घर आ जाना। हाँ, एक संदीप सर थे, हिंदी के टीचर थे, तो उन्होंने ना 10th या 11th क्लास में उन्होंने दंड बैठक करवाया था उन्होंने, तो मैं थोड़ा अच्छा था, फिट था स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो, तो मैंने क्या किया, जोश जोश में आकर के मैंने ना दंड बैठक को ज़्यादा ही मार दिया, इतना ज़्यादा मार दिया कि अगले दिन मुझे बुखार आ गया और मेरे पैर से खड़ा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे मम्मी और पापा सब स्कूल में गए और बोला कि ऐसा क्या करवा दिया, फिर बच्चे से उठा नहीं जा रहा इससे। हमेशा ये पूछने वाली बात नहीं है। स्कूल या कॉलेज, कौन सी मेमोरी आपकी सबसे बेस्ट रही है? स्कूल डेज ही रही है, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा दिन मैंने किया नहीं, क्योंकि फादर के साथ मैं उनके काम में हाथ बटाने लग गया, तो मैंने कुछ टाइम ही कॉलेज कंटिन्यू किया था। हालांकि ग्रेजुएशन मैंने पूरी की है लेकिन रेगुलर कॉलेज से मैंने नहीं की, 6 मंथ 7 मंथ करने के बाद फिर मैंने क्विट करके, और उसके बाद मैंने
डिस्टेंस में एडमिशन ले लिया था ताकि फादर को मैं हेल्प कर पाऊँ। बहुत पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है, और बंक मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार बंक किया है। इतना बंक किया है कि मुझे शायद मैं ये कहूँगा कि महीने में 30 दिन की क्लास होती थी तो एक टाइम पे ऐसा भी किया कि 15-15 दिन तक गया ही नहीं हूँ। उसका रीज़न था, क्योंकि क्या था कि 11th क्लास में मैं इतना बिगड़ गया था कि मैंने डायरी वगैरह ही नहीं बनाई थी स्कूल की। तो अब बैलेंस वर्क, बहुत सारा होमवर्क बहुत सारा बचा हुआ है, और ईयर एंड होने वाला है तो सबके होमवर्क चेक होंगे, और इतना सारा काम था होमवर्क स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो हम क्या करते थे, जो पढ़े लिखे जो बहुत टॉपर बच्चे होते थे ना, तो हम क्या करते थे, वो लोग तो पूरा रखते थे मेंटेन, तो हम उनका रजिस्टर लेकर के ना एक हफ्ते पहले ना टीपना स्टार्ट कर देते थे और छापना स्टार्ट कर देते थे। और मैं इतना भोंदू था कि मेरे से वो छपाई भी नहीं होती थी, तो मैं लिख भी नहीं पाता था। तो मैं इस डर के मारे स्कूल ही नहीं गया काफ़ी दिनों तक, स्कूल नहीं गया कि यार आज भी पूरा नहीं हुआ, कल से जाऊँगा, फिर कल से फिर खेलने में निकल गया कल का दिन, यार कल भी नहीं जाऊँगा, कल भी नहीं हुआ, परसों से जाऊँगा। फिर ऐसा हुआ भी एक दिन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे घर के पास ही एक पार्क है, उसका नाम है रॉक गार्डन। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों रॉक गार्डन में घूम रहे थे, आराम से मजे ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हुआ क्या कि मेरे दोस्त के मामा वहीं से उस पार्क से निकलने लग गए, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। मुझे आज भी याद है कि मतलब एक गुंबद जैसा एक पार्क में बना होता है कि बैठने के लिए बनाते हैं ना वो, तो हम वहाँ पे खेल रहे थे, और ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर और ऐसे पहाड़ी टाइप का पार्क है, तो ऊपर से उसके मामा जा रहे थे, उन्होंने एकदम से देखा कि उनका भांजा है, पहचान गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैंने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, मैंने कहा स्कूल वाले ना टूर पे लेकर के आए हैं हमें, घर के पास में पार्क है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। मैंने बोला घर स्कूल वाले टूर पे लेके आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चले गए, चुपचाप चले गए। शाम को मतलब रात को 9 बजे उसके पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको पीटते हुए मेरे घर लेकर के आए, और बोले ये आपका लड़का है ना, मेरे पापा बोले आपका लड़का है ना, ये और मेरा लड़का दोनों 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू।